चंदन कियारी के वार्ड विनोर पंचायत अंतर्गत पथल गोड़िया से बाबूर बोहाल तक बनने वाले डीएमएफडी फंड से सड़क निर्माण कार्य को स्थानीय लोगों द्वारा विरोध करते नजर आए। ग्रामीणों की माने तो संवेदक द्वारा प्राकलन के मुताबिक कार्य नहीं होने व निर्माण कार्य में गुणवत्ता को ताक पर रखकर कार्य कराने का आरोप लगाया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों की तरफ से अभी तक कहीं लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, जिस पर चंदन कियारी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जलेश्वर दास आगे आए एवं पथ प्रमंडल विभाग सहित डीसीएसडीओ के समक्ष शिकायत दर्ज करवाने की बात बताई गई। चंदन कियारी से मुकेश कुमार मेहता की रिपोर्ट। बाबुल दुबे जी, ये जो रोड निर्माण कार्य हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? इस पर कहना चाहेंगे कि इसका जो थिकनेस है, थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है। और जो ग्रेड होना चाहिए ढलाई के लिए, M40 का ग्रेड होना चाहिए, ये M15 या 20 का ग्रेड में ढलाई कर रहे हैं। जो इनका साइड में जो थिकनेस होना चाहिए, मिडिल में थिकनेस होना चाहिए, उसका कोई ये नहीं रखा जा रहा है। ये जैसे तैसे ढाल के चले जा रहे हैं। मैंने उनका जो सुपरवाइजर भी था और वहाँ मिस्त्री लोग भी थे, उनसे पूछा कि कितना का ढलाई हो रहा है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि 4 इंची, कोई बोल रहा है 5 इंची। हम बोले ठीक है, टेप लाइए और हमको दिखाइए कितना थिकनेस है, ठीक है। अब सुपरवाइजर जी बोले हाँ टेप ला के लाओ, और वो कहाँ गए पता नहीं, और मिस्त्री लोग ऐसे ही ढलाई कर रहा है। तो हम पूछना चाहेंगे, यहाँ पर ना जेई मौजूद है, न कोई अधिकारी मौजूद है, ढलाई इसी तरह से हो रहा है। हम जब पूछ रहे मिस्त्री लोग से कि आप माप कैसे रहे इसका थिकनेस, तो वो लोग बोल रहे नहीं ऐसे ही बोला है, ऐसे ही कर दे रहे, साइड में पाटा दिया गया है, वो लोग साइड कर दिए हैं, सोलिंग के ऊपर में ढलाई नहीं हो रहा है, कैसे पता चलेगा कितना थिकनेस है कितना नहीं है। तो हम पूछना चाहें कि बिना यहाँ पे सरकारी ऑफिसर के गैर मौजूदगी में ढलाई कैसे कर रहा है ठेकेदार? ग्रामीण को खबर नहीं है, ग्रामीण यहाँ पूछ रहा हूँ, ग्रामीणों लोग को पूछ रहा हूँ, ये लोग इसी तरह ढलाई करके चले जाएंगे, पता चलेगा 15-20 दिन बाद इनका पेमेंट मिल जाएगा और रोड फट जाएगा। इसका कहीं शिकायत किए थे आप लोग? शिकायत नहीं, अभी तो हमको पता चला, ठीक है, पता चला कि ढलाई चल रही है, हम औचक निरीक्षण में आ गए, यहाँ पे कोई पता नहीं, जेई का फोन लगा रहा हूँ, उनका फोन नहीं स्विच ऑफ आ रहा है, उनका फोन नहीं लग रहा है। अभी 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 जब ये किया गया तो ठीक है, इसको हम लिखेंगे ऊपर में जाके लिखेंगे, हम DC को लिखेंगे, SDO को लिखेंगे, DDC को लिखेंगे, यहाँ जिस विभाग का है, ये माइनर डिवीजन का है, माइनर डिवीजन का को लिखेंगे। चलिए ठीक, कहाँ चाहेंगे, जब हमको पता चला मंडल अध्यक्ष, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष अमलाबाद जोन के, जब हमने ग्रामीण से पता किए तो पता चला कि रोड का काम नहीं हो रहा है, वो जिस हिसाब से उसमें ढलाई होना चाहिए उस हिसाब से नहीं हो रहा है, और बालू और सीमेंट का भी जो लगता है वो भी भरपाई नहीं हो पा रहा है। तो वो भी बीच में कुछ ग्रामीण लोग आए थे, ठेकेदार से भी बात हुई, उनका ठेकेदार से बात हुई तो ठेकेदार का कहना है कि इसी तरह रोड बनता है, आप लोग कुछ जानते नहीं हैं। तो हमने इन्फॉर्मेशन अपना चंदन कियारी कांग्रेस के प्रखंड अध्यक्ष जी को बोले, और उनका आके ये रोड को जांच करने के लिए हम लोग अभी आएंगे, यदि इसका जांच नहीं होता तो हमने SDO DC को लिखित देंगे। आपको कहाँ लगता है कहाँ कमी रह जा रही है? इनका कमी है कि जो हमारा ग्रामीण रोड है, ठेकेदार तो बनाता है रोड, लेकिन रही बात है कि बनाकर चल जाता है, ग्रामीण भोगता है, क्योंकि हमने इस रोड में कहाँ पे कमी रह जा रही है? इस रोड में कमी है कि जो ढलाई होना चाहिए वो ढलाई, वो मोटा ढलाई, वो ढलाई नहीं हो पा रहा है इसका, क्योंकि और हमने जो ठेकेदार है, मैं ठेकेदार से कहना चाहूँगा कि वो अपना वर्क ऑर्डर दिखाए, वो वर्क ऑर्डर देखेंगे कि ये 5 इंची का ढलाई है, 4 इंची का ढलाई है, ईटा सोलिंग है, ईटा सोलिंग के ऊपर 4 इंची का ढलाई है, तो हमने देख के हम छोड़ देंगे कि हमारा रोड, और ग्रामीण वाला को भी हम बोल देंगे कि हमारा रोड बढ़िया बन रहा है। 10-15 आदमी ग्रामीण के बीच में वर्क ऑर्डर हम दिखाएंगे, वो ठेकेदार को हम ये बता देना चाहेंगे कि हमको दिखाए, सामने जय सर भी रहेंगे। हम लोग को ग्रामीणों का शिकायत पर जो हम लोग को सूचना मिली है, उस आधार पर हम यहाँ आए हुए हैं जांच पर। इसमें साफ तौर से दिख रहा है, जो यहाँ पर जो चिप्स गिट्टी जो दिया जा रहा है एकदम घटिया किस्म का दिया जा रहा है, बालू जो है बालू में आधा से आधा कोयला मिला हुआ है, और मैंने गुणवत्ता को दरकिनार करके ये काम किया जा रहा है।
यहाँ तक कि इसका जो प्रकलन है उस पर हमको लग रहा है कि ईटा के ऊपर मैंने मुश्किल से 3 इंच से 4 इंच का ढलाई हो रहा है, और साथ ही इसमें किसी तरह का पानी भी नहीं दिया जा रहा है, जो साफ देखने में लग रहा है ये कल ही ढलाई हुआ है लेकिन अभी तक ये सफ़ेद हो चुका है, और जो मात्रा होनी चाहिए इसका वो नहीं दिया जा रहा है। साफ बालू बालू है, मैंने उसको देखा और कहने के बावजूद भी लोग सुन नहीं रहा है। ग्रामीण का शिकायत भी अगर सुन रहा है, ये कोई बोल रहा है, तीनों का कहना है कि जाइए आपको जो करना है करिए, हम लोग ऐसे ही रोड बनता है। आप लोग रोड कैसे बनता है आप लोगों को मालूम नहीं है? यानी गुणवत्ता को ताक में रखते हुए काज हो रहा है? नहीं, गुणवत्ता को जो है ना ये कहीं किसी तरह गुणवत्ता नहीं दिखाई। देखिए अब ये फट रहा है, किनारे किनारे गिर रहा है, और ईटा जो है ईटा अभी बिछाने का साथ ही चूर चूर हो रहा है। ईटा जो है अभी ये चूर चूर है, अभी उसमें ढलाई भी नहीं हुआ है, आप लोग देख सकते हैं कि क्या आप इस मसले को जिले के समकक्ष पदाधिकारी हो या तो प्रमंडल विभाग हो जरूर वहाँ पहुँचाने का कार्य करेंगे? ये हम पथ प्रमंडल विभाग को लिखित शिकायत करेंगे, साथ ही DDC को देंगे, DC साहब को देंगे, ऊपर में मंत्री तक हम ये इसका हम शिकायत करेंगे, क्योंकि ग्रामीण का जो आक्रोश है, ग्रामीण का कहना है ये लोग अनसुनी कर रहा है, और इसमें हमारी सरकार है। कल ये रोड 10 दिन में ये रोड का पपड़ी उठना शुरू हो जाएगा तो वो शिकायत मेरी सरकार की होगी, इसलिए हम लोगों का कर्तव्य बनता है 20 सूत्री सदस्य सह प्रखंड अध्यक्ष होने के नाते ये सब देखना चाहिए और इसकी जानकारी हमको ऊपर तक देना चाहिए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।